गजाननम भूतगणाद सेवतम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तारे ईश्वर वंदना आप सुन रहे थे सोनाटेक कंपनी दरियागंज दिल्ली से। नौटंकी लीजिए, सभी कलाकारों का पात्र परिचय आपके सामने पेश किया जा रहा है और आज का हमारा तमाशा रखा जाएगा नौटंकी का श्रीमती मंजरी गमजुदा कैदी। मेरे बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है सोनाटेक कंपनी में आज हमारा कार्यक्रम ये श्रीमती मंजरी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके प्रस्तुत करता है श्रीमान हंसराज जी रहलन जी, श्री लीला कृष्ण जी, राजेश ठकुरायल जी, अंकित विज भैया जी। ये सभी के सहयोग से हमारे जो आज का कार्यक्रम है सफल बनाने में हम इनके बड़े बड़े आभारी हैं।
और हमारे जो थिएटर के मालिक हैं लक्ष्मी थिएटर संगीत पार्टी, इसके मालिक महोदय गेंदालाल जी बागरमऊ उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रस्तुत है नौटंकी, जिसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं श्रीमान होतीलाल पांडे जी, बच्चू सिंह राजस्थानी, जान सिंह मथुरा से पधारे हैं, हरिओम नागर मथुरा से हैं, रंपत जो गेंदालाल जी के सपुत्र हैं बागरमऊ से, और गेंदालाल जी भी स्वयं भूमिका निभाएंगे। हास्य कलाकार भाई मुंशीलाल इतवारी आपके बीच में आएंगे, और महिला पात्र परिचय इस प्रकार से है, आपके बीच में ब्रज कोयल श्रीमती चांद तारा, उनके साथ में हैं श्रीमती चांदनी रानी, उनके साथ में सहयोग में राहुल कुमार नागर, और हमारे वादक कलाकार हैं जो हारमोनियम पर स्वर दे रहे हैं मास्टर देवी प्रसाद जी जो राजस्थान से हैं। नक्कारे पर आप जाने माने छिद्दा उस्ताद राजस्थानी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं नितिन कुमार जो मथुरा से पधारे हैं। प्रस्तुत है आपके बीच में नौटंकी श्रीमती मंजरी। उससे पहले हमारे पार्टी अध्यक्ष भाई गेंदालाल जी एक गजल प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। भाई गेंदालाल जी, परिवार के हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सोनाटिक परिवार सदा ही नौटंकी ऐतिहासिक सांसागरिक प्रोग्राम का सदा सहयोग इन्होंने दिया है, और हम इस परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का रिकॉर्डिंग हमारा दरियागंज दिल्ली सोनाटिक स्टूडियो से, और सभी कार्यकर्ताओं के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई है हमारी तरफ से। हम सोनाटिक स्टूडियो में आज नौटंकी का हमारा तमाशा रखा गया है। श्रीमती मंजरी गमजुदा कैदी और सभी ब्रज मथुरा के कलाकारों के द्वारा ये रिकॉर्डिंग कार्यक्रम हो रहा है। लीजिए एक छोटी सी गजल है। संभाल कर बैठना हुस्न लैला के जाने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, फुर के फुर हवा ये मौसम भी सुहाना है, फूल के फूल हवाएं मौसम भी सुहाना है, ऐसे में चले सनम तुमको आ जाओ, सनम तुमको कुछ राजी बताना है, आ जाओ
घर में रचाने का एक सिर्फ बहाना है, मेहंदी के रचाने का एक सिर्फ बहाना है। ऐसे में चले हवाए मो सब भी सुहाना है, मो सब भी सुहाना है, मो सब भी सुहाना है। लीजिए आपके सामने हमारे सपुत्र साहब रमपत कुमार जी आपके सामने आ रहे हैं एक कव्वाली लेकर के। वो राहुल और रमपत दोनों ही पेश करते हैं, छाप तिलक छीनी मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब चीनी रे मुसे नैना मिला के, नैना मिला के सेना चला के नैना, नैना मिला के सेना चला के नैना, मिला के नैना, मिला के सेना चला अपनी सी कर ली मेरे मुसे नैना मिला के, छाप तिलक सब ची बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा, तोरे रंग रजबा बल बल जा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजबा अपनी सी।
था पुतलक सब छीनी रे मुझे नैना मिला के नैना मिला के सहना चला के नैना मिला के सहना चला के अपनी गोरी गोरी बइया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बइया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बइया बइया गोरी गोरी बइया हरी हरी चूड़िया पकड़ हर ली रे मुझे नैना मिलाए के चाप तिलक लीजिए आपके सामने रंभत कुमार जी और राहुल आपके सामने ये पेश कर रहे थे कव्वाली। लीजिए आपके सामने चांदनी रानी जिला मथुरा और मास्टर मुंशीलाल जी पेश हो रहे हैं दो रसिया गाने के लिए मात्र सिर्फ 10 मिनट का समय लेकर के 10 मिनट के लिए आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम बंधुओं, राम राम साहब, राम राम जी। देखिए आज तो मैं इसको देख ही लूंगी, घर में लड़ाई हो रही है और जरा कहाँ चला गया। क्या करें दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मैं अंदर ही पड़ा रहता हूँ और मुझे बार बार परेशान करती है। आज जाए मैं मार के छोड़ूंगी। आज तो मैं धर्मेंद्र जी अंदर ही जाऊंगा, आई चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मेरी आज ये बता, जा समझाओगे ना समझाओ। लात चलाते के जानवर की औलाद हो। क्या कहा? लात चलाते जानवर की औलाद हो। असली गधे का बच्चा हूँ। ये बता, हाँ या समझा लेगो के ना है? कौन है? है? कौन है? जे जिठानी है। जिठानी है? अपनी भाभी है। एक बात बता, इतनी तू आज गरम क्यों है रही है? अरे गरम क्यों ना होंगी, जरा सी बात पर लड़ाई कर दई। अरे गरम काय बात पे है रही है, मो बता मैं ठंडी कर दूंगा। जो लड़े जमो से। हाँ क्या आखिर हुआ क्या? जिठानी दारी अब का होए लड़े ते। था, था, था। जिठानी इधर आ। जिठानी दौरानी जिठानी का झगड़ा सुना रही है? हैं? ये बात है तो एक बात बता, दौरानी क्या कह रही है जिठानी से और तू मुझसे क्या कह रही है? अरे मेरी छम्मा के छल्लो, देख अपनी चोंच से काम ले। हाँ पंजे मंचरा तेरी चोंच है मेरो चोंचा। और जिठानी दारी अब का होए लड़े ते। जिठानी दारी अब का होए लड़े ते। हो मन फस गयो जे। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। जिठानी दारी अब का होए लड़े ते। हो मन फस गयो जेठ बड़े। क्या बात है, बछड़ी दाढ़ी दाढ़ी, क्या बात है। बहुत अच्छा। और सुन ले। और क्या? सोने को लोटा अच्छा। और गंगा जल पानी। बता क्या कह रहे हो? तो हम तो बेकार हैं फिर। कैसे? और क्या मतलब? हम तो बिल्कुल बेकार हैं। देखो मतलब क्या हुआ? क्या करी कि सोने को लोटा। हाँ गंगा जल पानी। अरे सोने को लोटा ओ जा मैं पोखरिया को पानी।
सोने को लोटा और गंगा जल पानी और जेठी जी पी लो तबीयत भर के। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? प्यास लग रही है। सोना टेक कंपनी वाले मेरा तरस नहीं कर रहे हैं, और तेने कहा कि जेठ जी पी लो तबीयत भर के, तो मैंने ओग लगा दिया। पी लो तबीयत भर के हो बदनाम हुए, जेठ जी सोने की थारी में। ए सुनो, ये जनता जनार्दन को समझा के जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। और ये बाबा बहुत टुम टुम देख रहे हो, तो बाबा देख रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये तेरे नसीब में नहीं है पहला नंबर। हाँ जी। और सोने की थारी में अच्छा मैंने भोजन परोसो, भोजन परोसो। हाँ वाह, मुझे भूख लग रही तेरी कसम, आज खाना भी नहीं खाया मैंने। और जेठी जी खा लो तबीयत, ला क्या तुम्हारे लिए नहीं है। जेठी जी खा लो तबीयत भर के, वो बदनाम हुए मन। क्या बात है, बहुत अच्छा। दादी दादी और देख लास्ट में क्या बात है। लास्ट में क्या बात है, सुनने की बात है। बहुत अच्छी बात है। कौन सी है बताऊं? बता दूं? बता दे मेरी श्याम चिड़ैया, मेरी चिड़ैया अपनी चोंचे खोलो। तुम्हारो चिरोटा कब से चोंचे पहना के ठाणो, बोलो। बुरो मत मानियो। और चुन चुन कलियां मैंने मैंने सेज बिछाई। सुना सुना, ये कहां सेज कहां है? क्या सेज कहां है? सेज कहाँ? ये समझने वाले सब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? जिस गाने में एक्टिंग नहीं मोशन नहीं, तो वो गाना ही बेकार है। आपने कहा कि चुन चुन कलियां मैंने सेज बिछाई, कैसे? देख ले, ये बिस्तर आ गया आपका। ये रड़ुआ चलने नहीं देंगे मेरे घर को। अच्छा देख ले, कहां से सेज लगाने के लिए चुन चुन कलिया। चुन चुन कलिया मैंने सेज बिछाई। हाँ रड़ुआ सब समझ रहे हैं कि सेज पे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बोल बंसी। और जेठी जी सोए लो तबीयत भर के, और जेठी जी सोए लो तबीयत भर के, हो बदनाम हुए मन। और जेठी जी सोलो, देख जी बात तो रही तेरी भाभी की। अच्छा जी, हाँ समझा लियो। अब नेको रामंद कावंद कटे मत ही फसे मा पूरा, कटे मत ही फसे मा पूरा, फसे मा पूरा। और नन्ने नन्ने घुंगरू चांदी का मेरा नारा रे, चांदी का मेरा नारा। नन्ने नन्ने घुंगरू चांदी का मेरा नारा रे, चांदी का मेरा नारा। सोने की मेरी मुंद्री चांदी का मेरा नारा।
चांदी का मेरा नारा। क्या बात है, बहुत अच्छे। आगे वालों, आगे वालों, ओ पीछे वालों, ओ आगे वालों, ओ पीछे वालों, ए मोटे वालों, ये तो सुन ले। सर इधर आ, जो बेचारे मुझे से वो तो नहीं बोल रहे। हाँ, जैसे धर्मेंद्र बाबू हैं और भी हैं, और भी मेरे दोस्त बैठे हैं, लेकिन नहीं, मोटे वालों, और तुझको इनकी झोंक नहीं झिलेगी। आगे वालों, और पीछे वालों, और बीच वाले छोरा मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा, और बीच वाले छोरा मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा। मेरा नारा, चार चांद लग जाएंगे, ये बात है, पब्लिक में मजा आ जाएगा। ओ बीच वाले, ओ हुक्के वाले, ओ हुक्के वाले, नेचे वाले, क्या है नेचा? नेचा नहीं देखा है तूने, जिस पर चिलम जमाई जाती है नेचा है? ओ बीच वाले, आज नहीं मानूंगा मैं, तो लेके ही रहूंगा, मजा आ जाएगा। आ, नहीं अभी। ओ बीड़ी वाले, ओ हुक्के वाले, ओ बीड़ी वाले है, ओ हुक्के वाले, ओ पब्लिक, दोस्तों बैठे रहो, मजा लेते रहो, दोस्तों देखिए क्या मजा आएगा। हाँ, चांदनी जी क्या करेंगे? ओ बीड़ी वाला, ओ हुक्के वाला, ओ सिरगट वाले छोरा मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा, ओ सिरगट वाले छोरा मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा। बहुत अच्छे, ये बात है, दाढ़ी 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 दाढ़ी, मेरा नारा रे चांदी का मेरा नारा। ओ आगे वालों, ओ पीछे वालों, पीछे वालों को तो जरा आधा से समझा दे। हाँ जी, ओ आगे वालों, ओ पीछे वालों, बीच वाले छोरा मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा। दाएं वालों, दाएं वालों, बाएं वाले, बीच वाले, बीच वाले छोरे मेरे से राजी हो जा रे, मेरे से राजी हो जा। नन्ने नन्ने घुंघरू, बहुत अच्छे, लड़ुआ तसल्ली करो, मसाला और तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, चिंता ना करें आप, लेकिन आज मेरी बात कैंसिल कर दिए? हाँ, देख लूंगा एक केक को, ठीक है। कैसेट के माध्यम से श्रीमती मंजरी उर्फ गमजदा कैदी जलालुद्दीन, हमारा प्रोग्राम प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। सभी कृपाएं शांति बनाएं और ध्यान दें। या मेरे मौला, क्या बताएं, दर दर भीख मांगते फिर रहे हम और भीख भी नहीं मिलती है हमको, और
करे मौला तुम्हारा सभी का भला करे। ए बाबू थोड़ी भीख डाल दो, ए बाबू थोड़ी भीख डाल दो, ए बाबू करे मौला तुम्हारा सभी का भला चार पैसे की रोटी और सालन दिला चार पैसे की रोटी और सालन दिला चार अल्लाह तुम्हारा भला करेगा भैया अल्लाह तुम्हारा भला करेगा कर दे मेरे मौला बदरिया कम की छाई है आज तो हमारी गलियों में अल्लाह तुम्हारा भला करेगा भैया वाले वाले मेरे मौला मेहर कर दे मेरे मौला और बदरिया कम की छाई है तूने लाखों की बनाई है शाम होने को आई और दिन भी ढला शाम होने को आई और दिन भी ढला आप भी दे दीजिए बाबूजी मैं आपसे कह रहा हूं जमीन तांबे की होगी आसमां फौलाद का होगा मोहम्मद तख्त पर होगा अदालत में खुदा होगा अंधेरी कोठरी होगी छोना खाक का होगा उजाला बस उसी घर में रसूले पाक का होगा शाम होने को आई और दिन भी ढला शाम होने को आ मेरे मौला मेरे मालिक क्या करें दोस्तों चलो आज इतना मिल गया हमको तीन दिन हो गए मुलाब का सड़क छाप पीढ़ी उठा करके पी रहा हूँ आपने मुझे बहुत दिया आज तीन दिन हो गए लॉकडाउन में इसी से अपना पीढ़ी तक नसीब नहीं है पेट भरेंगे है सड़क छाप पीढ़ी उठा करके पी रहा हूँ सामने से इस भिखारी पर कितने रुपए आए हैं अपने दादागिरी से गुंडागिरी से इससे ये सब रुपए छिना करके पॉकेट में रखूंगा और जाकर के ठेके पे एक पौवा लगाऊंगा क्या चाहिए कौन है कौन है तू कहां से आया मैं बाबूजी भीख मांगने वाला हूं क्या कुछ दे दो कुछ बाबूजी का बच्चा तेरी माँ का चैत बैसाख मारू तेरी का ये दरियागंज सोना टेक कंपनी मुंशी इतवारी लाल यहाँ आते और तू इसमें प्रवेश कैसे हुआ दिखा भाई देखिए बाबूजी बाबूजी का बच्चा है तेरी माँ का कुछ नहीं क्या सोना टेक कंपनी का धमाका तो अलग ही है ना जोरदार धमाका है हा? लेकिन बाबूजी बाबूजी आप मुझे कुछ भीख में दे दो क्यों भाई तुझे मैं बाबूजी लग रहा हूँ देखिए मेरे लिए सभी बाबूजी हैं जितने बैठे हैं मेरे सामने और आप जो खड़े अबे यहाँ का मैं बहुत बड़ा दादा हूँ बहुत बड़ा गुंडा हूँ तो जैसे भिखारी मैंने मार मार के नीचे गटर में सुला दिए तो आप बड़ा बड़ा ही पैसा देंगे ना मैं ले 500 का नोट है बना के दूंगा 500 का अच्छा अच्छा चलो 500 दे दीजिए लाइए 500 का देंगे बड़े आदमी हैं ये बड़े आदमी बड़ा ही पैसा देते हैं
खूब चिड़िया पल्ले पड़ी है। क्या है? 500 नोट कहाँ है? कौन है भाई तू? 500 नोट कहाँ है? किसका नोट? 500 नोट तुमने लिया? इल्जाम लगा रहा मुझ पर शरीफ बच्चा को। अरे क्या बात है ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन परेशान कर रहा है? तुम परेशान कर रहे हो जनाब। कहता मेरे चुप, मेरे पैसे ले लिए हैं, मैं भीख मांग के लाया हूँ। इनके पैसे लौटा दो। किसने लिए? तुमने लिए? खुदा तुम्हारा पूरा बुरा हश्र करेगा। तुमने लिए? हाँ। हमने नहीं लिए। नहीं लिए ना? नहीं लिए। तो भागो यहाँ से। अरे बेटे, अरे अल्लाह, बारे नसीब है तू यहाँ भी नाकाम है। फाटक शहर का बंद और होने वाली शाम है, शाम का वक्त होने वाला है। मालूम पड़ता है तुम बहुत भूखे हो। जाओ, यहाँ पर हमारे ब्राह्मण रहते हैं जुगल किशोर पंडित जी, बड़े दयालु हैं, वो गरीबों पे बहुत ही दया करते हैं। वहां चले जाओ, वो तुम्हें खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे। वारे मालिक, किसी ने भीख दिया और कोई पैसा ही लेके चला गया। कोई लेने आता है तो कोई देने आता है, कोई चुरा के ही भाग जाता है। बड़ी मेहरबानी होगी पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी। हाँ जी। ये गरीब बच्चा बड़ा परेशान है, कई दिन से भूखा मालूम पड़ता है, इसके पैसे भी छीन लिए। तू तो रो रहा है। ये आपके पास आया, कुछ कहना चाहता है। बेटा, ए बालक कौन है तू? अरे फिर रहा क्यों मारा मारा है? जी बेटा, आपके पहला गुण प्रसन्न है बेटा, प्रसन्न है। रो नहीं बेटा, बता कौन हो? पंडित जी, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। नहीं, बोलो बेटा, बोलो। हे पंडित जी, हालत करूं क्या शुकारा है? क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? और जरा खाने को दे दो तो भला होगा तुम्हारा है। जरा खाने को दे दो। मैं खाने को तुझे दूंगा। बेटा, तुझे ज्यादा क्षुधा सता रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मगर ये तो बता प्यारे पिसर, तू किसका प्यारा है? मगर ये तो बता, मेरा दम आ रहा इस दम और मार भूखों के। बहुत दिनों से भूखा, इसका मतलब ये हुआ बहुत भूखा है तू। पंडित जी, 3 रोज से मैंने खाना नहीं खाया है। मेरा दम आ रहा इस दम और मारे भूखों के। अच्छा, शिकम यानी पेट। हाँ, पेट। शिकम भर जाए तो तुमको सुनाऊं हाल सारा है। पेट भर जाए तो बेटा, इससे मालूम हुआ कि तू ज्यादा भूखा है, बात भी करने के लिए तैयार नहीं है।
बेटा बैठ, मैं तेरे लिए खाने का, मैं आपको ये बताऊं। हाँ कि मेरे सामने परेशानी क्या आई, ये पहले पहले भोजन पाले उसके बाद बताना, मैंने यही तो पूछा था, तूने बताया नहीं, अब तू पहले भोजन कर ले बेटा। भोजन कराएंगे? हाँ बैठो बैठो बैठो। बेटी, बेटी मंजरी, क्या बात है पिताजी? बेटा देखो, कल मैं जो पूजा वो फेरा पढ़ाने के लिए गया था ना, हाँ। वहां से कुछ दक्षिणा में कुछ भोजन लाया था ना, हाँ। उसे तू ले आ, देख ये दर दर का भिखारी मोहताज हमारे यहाँ है, बहुत भूखा है बेटा जी। ये बालक भूखा, तो खत्म हो गया, एक रोटी पड़ी हुई है, एक पड़ी हुई है, हाँ। चलो उसे ले आओ, अभी लाती है पिताजी। बेटी जल्दी लाओ, बेटी जल्दी, नहीं कोई बात नहीं, बैठो 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 बेटा, लाओ लाओ, बैठो बैठो बैठो, बेटी तुम भी बैठो, खाओ बेटा, भाई साहब खाना खा लेते, आस्ता आस्ता खाओ, आस्ता धीरे धीरे खाओ, बेटा बहुत भूखे हैं, हाँ बहुत भूखे हैं, धीरे 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 बेटा बेटा धीरे धीरे, बेटा ये रोटी क्यों छुपा रहे हो? आपको खाने को अवश्य मिलेगा, रोजाना मिलेगा, भगवान सबको देता है। मुझे नहीं देता है। काहे को सोच करे मन मूरख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो, अरे वो जान कु दे या जहान कु दे या जग कु दे वो तो कु देगो, अरे कितने ही जीव बसे जल थल में, वो सुदहु सब ही की लेगो, अरे दांत नाए जब दूध दियो, अब दांत भये तो अन्नहु देगो। अब इसी बात की चिंता नहीं है बेटा, सबसे पहले ये बता, अब बता कि तू कौन है और इस तरह से क्यों मारा मारा फिर रहा है? तो अब मुझे रोटी मिल जाएगी बेट? हाँ मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेगी, इसी को मैं शाम को खा लूंगा। नहीं, 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 अरे ला उसे, पहले तुम अपने बारे में ये बताओ कि तुम कौन हो, खाना तो तुम्हें मिलेगा और मिल जाएगा, और मिलेगा, जिसने पैदा किया वो देता है, दाद सबका दाता है। पंडित जी, हाँ मैं एक मुसलमान से पैदा हूँ। अच्छा, जैसे आज कोरोना चल रहा है, इसी तरह 100 साल पहले प्लेग की बीमारी आई थी। अच्छा, प्लेग में माँ बाप मेरे का हो गया इंतकाल, और मारा मारा फिर रहा हूं बस यही रंजो मलाल। मेरे माँ बाप प्लेग की बीमारी में, तो यानी कि अब तुम्हारा कोई नहीं है? मेरा कोई भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। अरे बालक तेरी बात सुनाओ, और मेरे हृदय दया थल रहा, अरे जहां तक मुझसे हो सके मैं तेरी करूंगा सहाय। मैं तेरी करूं सहाय, और तुझे मैं अपने कंठ लगाऊं, अरे पालन तेरा करूं, दुई को दिल से दूर हटाऊं। दुई क्या होती है पंडित जी? बेटा दुई उसे कहते हैं कि तू मुसलमान से पैदा है, मैं ब्राह्मण हूं, आज के बाद तुम मेरे यहां रहोगे, छुआछूत भेदभाव का कोई मतलब नहीं, जैसा खुद खाऊं बेटा और मैं तैसा तुझे खिलाऊं, ये कल से बेटा मैं तुझको मकतब में पढ़ने बिठाऊं।
से दोनों मुझको नहीं मंजरी से कम समझू मैं जलाल बस तुझको। बाबा जान। बेटा जलालुद्दीन क्या यही तेरा नाम है? हाँ मेरा नाम जलालुद्दीन है। बेटा जलालुद्दीन आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे यहाँ रहोगे। और चलो बेटी मंजरी रोजाना मकतब में पढ़ने के लिए जाती है, वहां सब तरह की भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। तुम दीन इस्लाम हो मुसलमान हो, तुम्हें उर्दू का वहां बोध कराया जाएगा। बेटी मंजरी तुम इन्हें अपने साथ ले जाना मकतब में। जी पिताजी। और बेटा किसी बात की चिंता ना कर, ये तेरा ही। अब कोई चिंता नहीं है। आ जाओ। अब तो मैं आपका बेटा हो गया, अब क्या चिंता है। और मेरी बहन हो गई। भैया मंजरी एक बात कहूं। बहन। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में, आज के दिन में जहां भी रहूं चले आना वहां हर हाल में, चले आना वहां हर हाल में। मैं हूं भोली बैरी जमाना, भैया मेरी लाज बचाना, इस राखी की रीत निभाना, ऐसा न हो कहीं तड़पू ऐसे जैसे बुलबुल जालू में, चले आना वहां हर हाल में। बहन। हेलो भैया। मैं भाई हूं, वादा करता हूं जब तक दम में दम रहेगा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ठीक है भैया। पिताजी। बेटा जलालुद्दीन। बाबा जान। दोनों बहन भाई मकतब से पढ़ के आ गए? हाँ बाबा जान। आज कुछ मेरी तबीयत अलग दिखाई पड़ती है। तबीयत खराब है? हाँ। तो किसी वैद्य से दवा लेके आऊं कुछ? दिखे है आ चुका है अंतिम समय हमारा, बाजान आप ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, मेरी तबीयत अजीब है। बात सुन के आपकी कलेजा होता पारा पारा है, और वचन सुन आपके धीरज मेरा होता नारा है, वचन सुन आपके बांधो सफर हो गए तुम बड़े और समझदार भी, करना दुनिया में अच्छी तरह से गुजर।
भाईजान बेटा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो फिर क्या फिक्र है? फिक्र मुझे सिर्फ एक बात की है। क्या? कि आप कुछ दिन और रहें, क्योंकि हमारी बहन मंजरी अच्छा शादी के योग हो चुकी है। अगर शादी हो जाए हमारी बहन की तो अच्छा रहे बाबा जान। बेटा इस संसार में कोई बचा नहीं है, इसलिए जाना तो सबको पड़ेगा। रही बात बेटी मंजरी की, जब तुम हो और समझदार हो तो मुझे क्या फिक्र है। ये मंजूरी बहन से मेरी उल्फत कभी अच्छा छूट सकती नहीं, कीजिए दिल सबर। बाबा जान कभी बहन मंजरी से दो बात नहीं हुए, पर अभी आप बैठे और रहे बाबा जान, और मति जन्नत के जानव बढ़ाओ कदम। बहन भाई साहब अभी ये कोई बात है इसकी आ? मैं बाबा जान से निवेदन करता हूँ, बाबा जान मैं सेवा करूंगा तुम्हारी, वैद्य से दवा लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, पर आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती भैया। जलालुद्दीन भाई तू ये कैसी बात करता है, आप मरता है मरो मत यूं कहे। बहन ये तो सच है, कहा है कि जब प्राणी के हाँ जब प्राणी के और बुरे दिन आते हैं तो बने बनाए सब जाते हैं। भैया जी कोई चिंता नहीं है, आप हैं तुम्हें किस बात की चिंता है? मुझे कोई बात नहीं है बहन। बेटा जलालुद्दीन ठीक है बहन, मेरी तकलीफ का कारण जब से पंडितानी गुजरी है तब के मेरे ऊपर 4,000 रुपये और है। हाँ दयाराम पंडित जी के मेरे ऊपर कर्ज बतौर हैं, लेकिन जब पता नहीं पंडित जी कब आ जाएं। बाबा जान करेंगे इंतजाम, करेंगे कमाएंगे देंगे उनका पैसा, ऐसी बात नहीं है। आइए पंडित जी। जुगल किशोर जी। पंडित जी जय गोपाल जी की साहब, पाए लागू महाराज। जय गोपाल की, जय गोपाल की। क्या सोचा है आपने? हमारे 4,000 रुपये अता फरमाइए, वरना ये मैं क्या कर दूंगा। क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज महाराज को मैं कोई पुजारी हूं क्या मंदिर का? नहीं सर जी, वो बात तो सही है आपकी। दीजिए मेरे कुल रुपया, वरना नालिश दूंगा मैं कर। याद रख लेना ये लीलाम हो जाएगा घर। ना नालिश का मती साहब, कृपा कर कीजिए। कल सिर्फ दोपहर तक को आप इंतजार कीजिए, कल दोपहर को आ जाना और श्रीमान जी आप अपने पूरे पैसे अदा करके ले। 4,000? हाँ 4,000। सोच लिया? हाँ। और ये मकान खाली करा दूंगा बेटा जलालुद्दीन। हाँ वो हमने सोच लिया है, बड़ी मुश्किल से आए आप निकल कर। नहीं मैं फिर क्या कह रहा हूँ, सोच लेना। 4,000 रुपये? 4,000। लेकिन आप नालिश का नाम मत लीजिए। नालिश तो मैं कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 4,000 रुपये कल दोपहर को मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, आप जाइए इंतजाम करता हूं। बेटा जलाल, ओ बेटा जलालुद्दीन, बुढ़ापा आ गया। बेटा जलालुद्दीन, वो दयाराम जी आए थे 4,000 रुपये का वादा कल दोपहर का कर दिया। बाबा जान ये तुमने क्या किया? ये कर कल का वादा दिया तुमने बाबा
जान और आवे काश के रुपये सच सच करो तो खान। बेटा जलाल कल 4000 रुपए बाबा जान कहां से आ जाएंगे? मैंने यूं कर का वादा किया, मैंने क्यों कल का वादा किया, मेरे प्राण आधार या सेठ जानकी नाथ से बेटा मेरा प्रेम महान। जो जानकी नाथ सेठ है ना, जो यहाँ के सेठ जी हैं, वो मेरे परम मित्र भी हैं। अच्छा अच्छा, मुझे उनके भरोसे पर किसी बात की चिंता नहीं रहती, तू जानता है ना। उन्हें बेटा जा और उन्हें लिवा ला और उनसे मेरा उन्होंने उनसे कहना कि वो अति शीघ्र आए, मेरी तबीयत खराब है, अभी जाता हूँ। जाओ जाओ आप बैठिए। हाँ, हाँ। मैं लेके आता हूँ सेठ जी को। सेठ जी, जानकी नाथ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है लड़के, कहाँ से आयो और क्या नाम है और क्या है मुझसे काम? सेठ जी मेरा नाम जलालुद्दीन है, वैसे मैं मेरी परवरिश की है जुगल किशोर पंडित जी ने, इसलिए मेरी राम राम है, आपको प्रणाम है। जुगल किशोर पंडित जी के तुम क्या लगते हो? उनका बेटा हूँ मैं। गलत, उनके तो कोई बेटा नहीं था, उन्हें मुझे पाला है, परवरिश की है, वहीं रहता हूँ उनके यहाँ। नहीं 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 नहीं, उनकी एक बेटी है जिसका का नाम मंजरी है। जी हाँ, उनके कोई औलाद नहीं सिवा मंजरी के अलावा। तुम कह रहे हो मुझको गोद लिया है, मुझको रखा है? जी हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? जलालुद्दीन है मेरा नाम। जलालुद्दीन जी, मुसलमान से पैदा हूँ मैं, लेकिन पंडित जी का ऊपर वाला लाख लाख भला करेगा जो मुझे भोजन दिया, रखा अपने यहाँ पर। यानी उन्होंने तुमको रख लिया है? जी हाँ, अपना बेटा समझ, अपना बेटा बना लिया है, मुझे रख लिया है, समझ लिया है और हूँ बेटा उनका मैं। वाह, पंडित जी ब्राह्मण और ये लौंडा मुसलमान का, ठीक है। कहते हैं सेठ जी, मजहब जुदा जुदा है, शिला सबका एक है, हिंदू हो या मुसलमान, खुदा सबका। ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आप चलिए। मैं ये सुनना चाहता हूँ पंडित जी ने क्या कहा है। आप चलिए, उनकी तबीयत खराब है, आपको बुलाया है, आपको बुलाने के लिए आया हूँ मैं। यानी पंडित जी की तबीयत ज्यादा खराब है? बहुत खराब है। यानी हमको बुलाया है? खाट से खड़ा नहीं होता था। चलो चलो, चारपाई हम चलने को तैयार है। आइए सेठ जी, बड़ा Sonotech Video.